आज सोयाबीन डाल के टमाटो राइस बनाएंगे। उसके लिए जो सामग्री चाहिए, अदरक, मिर्ची, पुदीना, टमाटर, चार टमाटर इतना काट के लिया है ऐसा, सोयाबीन को गरम करके काट लिया है, एक पाव चावल के लिए एक पाव सोयाबीन, नारियल आधा नारियल कस के लिया है, चावल एक पाव चावल धो के लिया है, गरम मसाला, इलायची, दालचीनी, चार लवंग, तेजपत्ता। अभी चौंक लगाएंगे। कुकर में एक केवी में घी डाला है, एक केवी रिफाइंड ऑयल, दोनों मिला के 100 ग्राम्स इतना, 50 to 100 ग्राम्स। तेल गरम हो गया है, इसमें सारा गरम मसाला डाल रहे हैं, अदरक, मिर्ची, पुदीना, इसको एक 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। टमाटर डाल रही हूँ, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर 2 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, इसको भी 1 मिनट के लिए ऐसा भून लेंगे। अभी सोयाबीन जो काट के रखा है उसको मैं डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, नारियल डाल रही हूँ, ग्रीन धनिया, चावल, एक पाव चावल के लिए 2 पाव पानी, अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। इसको अभी कुकर ढक के 3 विसल लेने से टमाटो राइस रेडी।